फ्रेंड्स, मैं मंजू मंजू प्रीति प्रीति अभी शाम का खाना बनाने चल रहे हैं। फ्रेंड्स, चलिए मेरे साथ और शुरू करते हैं हम वीडियो। तो ये देखिए क्या हम शुरू करने जा रहे हैं। ये गोभी है, एक गोभी मैं ली हूँ अंदाज से। दो प्याज है, इसमें पालक है, ये पालक, और ये मिर्ची है, धनिया पाउडर, गरम मसाला और हल्दी है, इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट है, नमक है और मस्टर्ड ऑयल है, सरसों तेल। तो आज हम बनाने वाले हैं गोभी और पालक की सब्जी। तो हम शुरू कर रहे हैं। हम डाल रहे हैं इसमें 2 चम्मच सरसों तेल, तेल गर्म हो गया तो हम इसमें डालेंगे गोभी। कुछ देर के लिए ढक देंगे। हाँ फ्रेंड्स, इन्हें हम बीच बीच में चलाते रहेंगे ताकि गोभी जल न जाए और ब्राउन होने तक फ्राई हो जाए। आँच में मध्यम कर दे रहे हैं, थोड़ा मीडियम आँच रखेंगे और इसमें थोड़ा सा हल्दी छिट देते हैं। हल्दी डाल देते हैं तो देखिए कैसा ऐसा। इसको गलने के लिए मैं इसमें थोड़ा नमक भी डाल देती हूँ, ज़्यादा नहीं डालना है हमें, तो थोड़ा सा हल्का नमक क्योंकि सॉफ्ट हो जाए गोभी। फिर इसको हम ढक दे रहे हैं कुछ देर के बाद, फिर बीच बीच में हम इसे चलाते रहेंगे थोड़ा और घुमाएंगे। आँच कम कर दिए मीडियम और ढक्कन लगाकर छोड़ दे रहे हैं। मेरा पालक बॉइल हो रहा है, ये पालक है मेरा, देखिए लगभग धो ही गया है। पालक अपने अंदाज से लीजिएगा, पक गया है पालक। अब मैं गैस ऑफ कर दे रही हूँ और थोड़ी देर के बाद इसे मैं मिक्सी में डालूंगी। देखिए अब गोभी बहुत अच्छा हो गया है फ्रेंड्स। अब इसे मैं निकाल लेती हूँ दूसरे बर्तन में। गोभी फ्राई हो गया है फ्रेंड्स बहुत अच्छे से, ये देख लीजिए। 2-3 चम्मच सरसों तेल डाल रहे हैं और इसमें हम डालेंगे 2-3 तेज पत्ता।
तेज पत्ता, तो ये तेज पत्ता है, दो लाल मिर्ची, थोड़ा सा जीरा, इसमें डालेगा थोड़ा सा दालचीनी, जावित्री और इलायची, गरम मसाला, और मैं डालूंगी इसमें प्याज। ये देखिए प्याज हो गया है, जैसा चाहिए वैसा हो गया। प्याज भी थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया है और कलर भी आ गया है, तो मैं इसमें अब डालूंगी सारे मसाले। ये मसाले मसाले जले नहीं, इसलिए मैं इसमें पानी डाल कर ही इस्तेमाल करूंगी। ये देखिए हल्दी है, मिर्ची है, एक धनिया है और एक अदरक लहसुन का पेस्ट है। पकने देती हूँ, इसको ढक ढक कर पकाना है। कुछ देर के बाद फिर चलाते हैं इसको। हम इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, ये पालक है जो हमने बॉयल किया था, बॉयल कर फिर इसको हम पेस्ट बना दिए मिक्सी में डाल कर। तो अब ये मसाला भून गया है, प्याज और मसाला, इस पेस्ट को, पालक के पेस्ट को मैं इसमें ऐड करती हूँ। अब इसमें डालते हैं पानी, पानी डालेंगे, और इसमें डालेंगे फ्राई किया हुआ गोभी, इसमें डाल दें हम गरम मसाला और 5 मिनट तक पकने देते हैं।